पहले टेस्ट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को उसी के घर में 10 विकेट से चटाई धूल। बांग्लादेश के आगे रोया पाकिस्तान, पहली बार टेस्ट में मिली शर्मनाक हार। रहीम के आगे रिजवान का शतक पड़ा बेकार, घर में पाकिस्तान ने कटाई नाक। बांग्लादेश क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर है, जहां पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला 21 अगस्त को रावलपिंडी में शुरू हुआ था। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने कमाल कर दिया। उनकी कप्तानी में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहली बार 10 विकेट से धूल चटा दी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के अंतिम दिन बेहद रोमांचक देखने को मिला। मेजबान पाकिस्तान दूसरी पारी में बुरी तरीके से लड़खड़ा गया और 55.5 ओवर में 146 रनों के स्कोर पर ढेर हो गई। इसी के साथ मेहमान टीम बांग्लादेश को आखिरी दिन का मैच खत्म होने से पहले जीत के लिए 30 रनों का लक्ष्य मिला, जिसे बांग्लादेश की टीम ने बिना विकेट गंवाए 6.3 ओवर में हासिल कर लिया। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने पहली पारी में 448 रन बनाए थे और दूसरी पारी में केवल 146 रन, जिसके जवाब में बांग्लादेश ने पहली पारी में 565 रन और दूसरी पारी में 30 रन बनाकर सीरीज पर 1-0 से अजेय बढ़त बना ली। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। जवाब में बल्लेबाजी के लिए उतरी पाकिस्तान ने पहली पारी में शुरुआत में बेहद बुरी तरीके से लड़खड़ा गई। पाकिस्तान ने 16 रनों पर 3 विकेट गंवा दिए थे और पाकिस्तान टीम की हालत पतली थी, लेकिन इसके बाद विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान हर बार की तरह संकट मोचन बनकर सामने आए। उन्होंने नाबाद 239 गेंदों पर 171 रनों की जबरदस्त पारी खेली, जिसकी वजह से पाकिस्तान पहली पारी में 448 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर सकी, जिसमें साउद शकील के 141 रन और सैम अयूब ने 56 रनों का सहयोग दिया था। बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों 10 विकेट से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। इस हार के लिए पाकिस्तान के फैंस पूर्व कप्तान बाबर आजम को दोषी ठहरा रहे हैं। सीनियर बल्लेबाज होने के नाते उन्हें अपने घर में बड़ी पारी खेलनी चाहिए थी, लेकिन बाबर पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए और पहले टेस्ट की दो पारियों में सिर्फ 0 और 22 रन ही बना पाए। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान को हराकर इतिहास रच दिया है। बांग्लादेश की इस जीत को काफी लंबे समय तक याद रखा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को साल 2015 के बाद पहली बार अपने देश में बांग्लादेश से हार का मुंह देखना पड़ा है। बांग्लादेश ने रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान को हरा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने एक नया इतिहास भी रच दिया। टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ यह उनकी पहली जीत है। इसके साथ ही दो मुकाबलों की टेस्ट सीरीज में उन्होंने 1-0 की अजय बढ़त बना ली। इस हार के साथ ही पाकिस्तान की पूरी हेकड़ी निकल गई। मैच से पहले पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद और कोच जेसन गिलेस्पी ने बड़ा फैसला लिया था। बांग्लादेश के लिए एक हरी पिच बनवाई थी और 4 तेज गेंदबाज खिलाए थे। पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट ने फैंस के सामने ऐसा माहौल बनाया कि बांग्लादेश घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान का यह आत्मविश्वास उसी पर भारी पड़ गया। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।